और दिल्ली में कुतुब मीनार का दीदार करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब कुतुब मीनार आम लोगों के लिए रात 10 बजे तक खुला रहेगा। इसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल सिंह और स्थानीय सांसद रमेश भदूड़ी ने किया। दिल्ली के लोग और बाहर से आए पर्यटक कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला, लाल किला और तुगलकाबाद जैसी जगहों के जल्दी बंद होने की वजह से निराश हुआ करते थे, लेकिन उन्हें अब इस निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली के 5 पर्यटक स्थल अब 6 बजे के बजाय रात 10 बजे बंद होंगे। कुतुब मीनार में पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल सिंह और स्थानीय सांसद रमेश भदूड़ी ने LED लाइट का शुभारम्भ भी किया, जिससे अब कुतुब मीनार रात की रोशनी में भी जगमगा उठेगा। कि हम लोगों के लिए तो चिंता ये होगी कि जो पर्यटकों की संख्या वहाँ बढ़ेगी, उनको जन सुविधाएं देना, वहाँ के लोग जिस प्रकार से देसी विदेशी पर्यटक वहाँ पर जाएंगे, उनके लिए वहाँ के लिए मेन पावर खड़ा करना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े होटल नहीं है, डेंसिटी लेक ही ज़्यादा है, उस दृष्टि से BNB कर पाए, वहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की बड़ी संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर प्रशिक्षण भी हो, सुरक्षा के प्रबंध हो, इस तरह की अनेक बातें वहाँ पर। देश के प्रधानमंत्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए उसको पर्यटन मंत्री भी दिल्ली समेत अलग अलग पर्यटक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को सुविधा मुहैया कराने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में दिल्ली में ये 5वां पर्यटक स्थल है जहां पर रात 10 बजे तक लोगों के लिए आवाजाही रहेगी। आपने देखा कि किस तरीके से LED की लाइट में नहाया हुआ नजर आ रहा है कुतुब मीनार, जो कि अब रात में भी दूर से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और लोगों को काफी पसंद भी आएगा। दिल्ली से राकेश सोनी की रिपोर्ट।